बाबर के नाम से बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बड़े टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसकी भी वजह वो बात बहुत लंबी खाई है, मैं बाद में सुनाऊंगा। बाकी है ना, मैं अभी बच्चों को दाना पानी करने आया था, मुझे एक चीज़ फोटो थोड़ी देर तरीके कर दी थी, तो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर ना इन्होंने ना एक बत्तख का बच्चा इनके यहाँ ना निकला है अभी, अब मैं कोशिश करूँगा दिखा पाऊँ, अगर दिखा पाया तो ठीक है, वरना फिर कल दिखाने की कोशिश करूँगा। ब्लैक एंड वाइट सही है जैसे हमारे पास पहले थे ना, कोशिश करूँगा। पानी भर के रख दिया इन लोगों के लिए ना, मैंने यहाँ पर पूल सा भी बनाया है, ये सूख गया इंशाल्लाह, कल तक सूख जाएगा, फिर ना यहाँ पर करेंगे। अभी देखते हैं, सुमित जिंदा बचो। हमने ना बच्चों को दूर कर दिया क्योंकि बच्चे ने ना ऐसे ना निकाल के बाहर फेंक दिया था, यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ फेंक दिया था वजह से, मुश्किल हो गई। कोशिश करूँगा दिखाने की। अभी एक काम करते हैं, अभी इनको ना बैठे रहने देते, परेशान नहीं करते, परेशान नहीं करते, इंशाल्लाह ना मैं आपको कल वर्क दिखाऊंगा। अभी ना मुझे डर लग रहा है कि ये ना बच्चे को मार ना दे, इस वजह से अब देखना पड़ेगा, इसे पता है आपको, कोशिश करते हैं एक दफा। दिखा आप लोगों को, आगे खोल ली अपनी माँ के पास छुआ, बस बंद कर दो, ठंड लग जाएगी। हाँ ठंड लग जाएगी, बड़े बात सुन लिया। वैसे हमने ना इसको 13 अगस्त को इसके नीचे ना अंडे रखे थे, रखे नहीं थे मतलब इसने खुद ही ने जमा करे थे, अब उससे पहले से ना अंडे दे दिए थे, 4 दिन बाद निकलने वाले थे सारे बच्चे, हमें लगा था 4 दिन बाद के बाद शुरू होंगे सारे बच्चे ना निकलना, पर असल में पहले भी साथ साथ बेटी आ रही थी ना अंडे देती थी, तो साथ साथ उनकी बेटी भी हो रहा था, तो पहले भी अंडे, तो इसीलिए पहले वाला निकल गया। अब देखते हैं 4 दिन में कितने निकलते हैं, इंशाल्लाह और निकलेंगे तो और भी दिखाएंगे। बाकी मैंने सोचा पूरा अच्छा कर दिया, यहाँ पर ना इनके लिए मैंने पूल बना दिया, ऐसे ना यहीं पर घूमते रहते हैं चलते हैं। यहाँ पर मैंने गेट लगा दिया, पहले गेट नहीं था यहाँ पर ना, यहाँ की मैंने सफाई करके ना मिट्टी डाल दी। हाँ यहाँ पर लाइट लगा, ये भी ना माशाल्लाह से छोट, आपको याद होगा जो पुरानी वीडियो जिन्होंने देखी हुई है ना मेरी, छोटा सा एक वाइट कलर का ना बतख का बच्चा था, ये वही है, मुझे शक नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसे रंग का होगा, अगर मुझे पता होता ना, मुझे बिल्कुल वाइट था वो, आप पुरानी वीडियो में चेक करेंगे ना, बिल्कुल वाइट था, एकदम सफ़ेद, इस रंग का भी था, इस रंग का भी था जो ब्राउन एंड वाइट था, पर उसका ये था वो ना बेचारा मर गया था, उसके साथ एक और भी था ब्लैक एंड वाइट, हमारा जो पहले बार बतख के अच्छे निकले थे ना वो भी ब्लैक एंड वाइट थे, और अभी जो निकला है ना वो भी ब्लैक एंड वाइट है पहला बच्चा, माशाल्लाह से अच्छी बात है, इंशाल्लाह और निकलेंगे वो भी दिखाएंगे। बाकी ये भी माशाल्लाह से अच्छे खासे बड़े हुए हैं, इसके भी 2 साथी थे जो पुरानी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा, वो 2 साथी भी बेचारे मर गए, इसके भी दोनों के 2 साथी मारे गए बेचारे, दोनों अकेले अकेले हो गए। यहाँ पर मैंने मिट्टी डाल दी, एक कल को अगर इसको हम अलग कर देंगे वो अंडे देने वाली होगी, तो यहीं पे अंडे देते बच्चे भी बच्चों और जानवर सबके साथ चलते हैं, बकरियाँ वगैरह के पास, इन लोगों को भी छिलके लाए हूँ मैं इनको वो देता हूँ, और मुर्गियों के भी कुछ अपडेट देना, कुछ खुशखबरियाँ कुछ बच्चा यहाँ पर है, इसको ना यहाँ पर करना पड़ा, वरना फिर ना ये तंग कर रहा था यहाँ पर ना, अरे हटिया ये तंग करेगा अभी ना, ये तंग करेगा। माशाल्लाह से ये भी अच्छा खासा बड़ा हो गया, तकरीबन 3 हफ्ते से मैंने वीडियो नहीं डाली ना, लग तो ऐसा रहा महीनों से नहीं डाली, माशाल्लाह से ना एक दांत का हो गया, एक दांत का हो गया ना, अब इसके टप में ना छिलके डाल देते हैं ताकि ये लोग ना खा लें, 6 महीने लगता नहीं है कि एक दांत का हो गया, पर हो गया अच्छी बात है, अब ये लोग खा लेंगे उनसे, ये अच्छी बात है, सब्ज़ी वगैरह होती है ना ये लोग खा लेते हैं सुकून से, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसकी टांग ना बेचारी की टांग ना फट गई है ये भी ठीक है छीन लिया,
वो बेचारा अकेला है। अभी कुछ दिन तक ना अकेला रहेगा जब तक के बच्चे और नहीं निकल जाते, वरना फिर ना मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया था। खरगोश भी, इनकी भी कहानी अब बाद में सुनाएंगे। अभी तो ये ना बहुत मारने लग गया। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, और वो मुर्गियाँ उनका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अंदर आना बड़ा मुश्किल था, अभी मैं दिखा सकता बात। मेरी बकरी नीचे पर चल के मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ और मुर्गियाँ दिखाता के बाद ना हमने नहीं यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, उसकी वजह से मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये देखें, इसने आज फिर अंडा दिया था, हटो साइड से। ये अंडा दिया था फिर पी गई, इसकी आदत नहीं सुधरने वाली है। इस बेचारे के भी चूजे मर गए, उसकी भी कहानी है, वो भी मैं आपको अभी सुना देता हूँ। पर ये तो बेचारा मुर्गा ही माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा ना, कबूतर भी अच्छे खासे पूरे खुले में। ये चल के फिर बताता हूँ कहानी ना, बड़ी मुश्किल है। कबूतर भी खुले में, वो कहानी ये है कि पिछले वीडियो में डाल नहीं पाया था हम लोग ना, एक दफ़ा ना एक बार बता से लेके आए थे। ये क्या कर रहे हो? ये उल्टी हल्ला तो शुरू, मासूम लगती है पर मासूम है नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले एक ये है और एक ये है। तो कहानी ये थी कि हम लेके आए थे असील मुर्गियाँ लाए थे, एक असील मुर्गी थी उनकी माँ थी, बाकी चार चूजे थे उसकी, है ना। अब हमने ना कुछ टाइम के लिए ना हमने यहाँ पर रखा था उनकी तस्वीर भी ना मैं वीडियो में दिखाऊँगा। तो यहाँ पर रखा था ना, तो उनको पहले दवाइयाँ ववाई दी ना, पहले भी वायरस आ चुका है। हमने कहा कहीं अब एरिक्स नहीं लेते, तो इस वजह से फिर यहाँ पर सेटअप था ना, तो हमने उन्हें ये दो तीन चार दवाइयाँ दे के फिर उन्हें ना वैक्सीनेशन करवा के रख दिया था। अब क्या वो कुछ दिन बाद ना मैं सुबह उठ के देखता हूँ, हमारी ब्राउन वाली मुर्गी ना, मतलब जो उन चीज़ों की माँ थी वो ना, मैंने आगे देखा मरी हुई थी। मैंने देखा अरे ये क्या हुआ। अब मैंने उठा के उसे फेंका, तीन चार दिन बाद एक और चूजा गया, फिर तीन चार दिन बाद एक और, ऐसे करते करते चार चूजे गए। उसके साथ साथ हमारे जो ऊपर वाली मुर्गी के चूजे थे, जो पिछली वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा, ये तीन चूजे थे वो भी बेचारे मारे गए। वो बेचारे भी ना उसकी उसी में लपेटने आ गए। मुझे समझ में नहीं आया ये बीमारी थी कौन सी जो झटपट मर, पहले भी हमारे पास ना ऐसा हो चुका है, उनके अंदर भी बीमारी आई थी, ठीक हो गए ना। पे पहले तो के अंदर बहुत जुएँ थी, बत का भी शोर मचा रहा है, शोर नहीं मचा रहा, सुकून नहीं है। ये ले इधर पूरा बतकों का सिस्टम, वो वहाँ पर रोटियाँ खा रही हैं, यहाँ पर ठीक है। ये बतकों का सेटअप यहीं पे था, ये सारे भी ठीक है। इंशाल्लाह पाएंगे तो वीडियो आएंगी हम बतख के अच्छे को भी। तो मैं पौधे भी लाया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उनका भी कुछ हाल चाल बुरा ही है वैसे तो, सिर्फ ये पौधा बचा, बाकी सब हमारी मुर्गी खा गई। ये भी अभी नया निकला है, पुराना वाला पौधा ना गया। यहाँ पर मैं दूर से ही दिखा देता हूँ, वो रहा हमारा गुब्बारा कबूतर, इन्होंने भी अंडे दिए बहुत बार, पर अंडे दे के तोड़ देते। वैसे तोता ये बच्चे भी बहुत सारे निकले, पर असल में ना अभी गेट सही से लगा हुआ नहीं, गेट सही से लग जाएगा ना फिर अंदर जाना आसानी हो जाएगी। अभी गेट खोले तोते बाहर आ गए ना तो कुछ मस्त हो जाएगा, कुछ तो खुल भी जाते हैं ना, तो पता नहीं ना कि खुले हुए नहीं खुले हुए। कि आज के व्लॉग में इतना ही था, कल मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। याद से सब्सक्राइब कर दिएगा वीडियो को, बताना है तो लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा। कल मिलेंगे अगले व्लॉग में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।